हेलो, मैं हूँ रेखा यादव और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर एक आम समस्या बन चुकी है। बिगड़े हुए रूटीन, काम का बोझ और बाहर के खाना खाने के चक्कर में यह बीमारी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, जिसे कंट्रोल करने के लिए लोग कई तरह के दवाओं का सहारा भी ले रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि घर में मौजूद कुछ मसाले आपके हाई बीपी को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं तो आइए हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से हैं वो मसाले। हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मेथी दाना बहुत ही फायदेमंद होता है। आधा चम्मच मेथी दाना लें और इसे रात भर के लिए गर्म पानी में भिगोकर रख दें। सुबह उठकर पानी को पी लें और मेथी दाना को चबाकर खा लें। ये हाई ब्लड प्रेशर को बहुत जल्दी कम करता है। दालचीनी खाने का जायका बढ़ाने के साथ ही दिल की सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। दालचीनी खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाती है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। रोजाना खाने में इसकी थोड़ी सी मात्रा शामिल करके हाई बीपी की संभावना को काफी हद तक कम किया जा सकता है। काली मिर्च में बहुत सारे जरूरी तत्व जैसे पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन पाए जाते हैं, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। साथ ही इसमें मौजूद विटामिन सी की मात्रा धमनियों पर पड़ने वाले दबाव के लिए जिम्मेदार गाढ़े खून को पतला करने का काम करती है। रोजाना सिर्फ थोड़ी सी अजवाइन की मात्रा खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। इसमें पाया जाने वाला कंपाउंड कार्बाक्रोल आर्टरीज के दबाव को कम करता है, जिससे हार्ट रेट में कमी आती है, जो हाई और लो दोनों ही तरह के ब्लड प्रेशर के लिए जरूरी है। सौंफ और जीरा हाई बीपी के लिए अच्छा होता है। सौंफ, जीरा, शक्कर तीनों बराबर मात्रा में लेकर पाउडर बना लें। एक ग्लास में एक चम्मच मिश्रण घोलकर सुबह शाम पीते रहें, इससे बीपी कंट्रोल रहता है। इलायची का इस्तेमाल खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ ही कई प्रकार के बीमारियों में दवा के तौर पर भी किया जाता है। खाने में इलायची या इसके पाउडर की मात्रा शामिल करके हाई बीपी को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसे कच्चा चबाना ज्यादा फायदेमंद होता है। धमनियों के बहुत ज्यादा सख्त होने के कारण ब्लड वेसल्स और नसें पतली हो जाती हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट आने लगती है। लेकिन लाल मिर्च खाने से नसें और आर्टरीज चौड़ी हो जाती हैं। इससे ब्लड का पूरी बॉडी में अच्छी तरह से सर्कुलेशन होता है और हाई बीपी की समस्या भी नहीं होती। तो ये वो मसाले हैं जो आपके हाई बीपी को कंट्रोल करने में मददगार हैं। लेकिन अगर आप बीपी की दवाइयाँ ले रहे हैं तो मसालों का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर कर लें। उम्मीद है आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए बोल्ड स्काई के साथ और हमें लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।